अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। ये जो शरीर और आत्मा के साथ विलीन है तभी वो सर्जन होता है। बिलीफ नहीं तो सर्जन ही नहीं है। ये मैकेनिकल और सोल लास्ट बर्थ में दो ही होता है, शरीर और आत्मा दो ही होता है। प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होता है क्योंकि तो सर्जन नहीं करना है, यहाँ विसर्जन फिर यहाँ मोक्ष में जाना है। तो नॉट रिक्वायर्ड प्रतिष्ठित आत्मा, क्योंकि और भी प्रतिष्ठा करना है नहीं। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अज्ञान नहीं है। उनका एग्जिस्टेंस, उनका अस्तित्व अज्ञानता से खड़ा हुआ है और अज्ञान है वहां तक उसका अस्तित्व रहेगा। दैट्स इट। अज्ञान नहीं है तो उनका अस्तित्व भी नहीं है, फिजिकल तो है ही नहीं। जैसे मैं आफ्टरनून को आपको प्रश्न करूंगा कि प्रकाश कहाँ से आता है, तो आप कहोगे सन में से आता है। रात को कहूंगा अंधेरा कहाँ से आता है, यह बनो आंसर। यस और नो? आंसर है अंधेरा कहां से आता है, उसका उत्तर है उजाला आता है, उसका उत्तर अंधेरा का है। तो ऐसे ज्ञान है वो प्रकाश है आत्मा का, अज्ञान का स्रोत नहीं है। ज्ञान है फिर भी ज्ञान का उपयोग नहीं, वही तो अज्ञान है। अभी बात समझ में नहीं आई, ये शरीर में से जब आत्मा छूट के जाती है तो ऐसा कहते हैं उसके साथ में जो कार्बन शरीर है वो प्रतिष्ठित आत्मा से बना हुआ है ना। कार्बन शरीर ही प्रतिष्ठित आत्मा से बना हुआ है, वो मेकर तो वही है। ये तो डिस्चार्ज है, ये तो खत्म हो गया। प्रतिष्ठित आत्मा आपको भी प्रतिष्ठित आत्मा भी साथ में जाता है, आत्मा जाती है प्रतिष्ठित आत्मा, कार्बन शरीर जाता है। वही तो मैंने कहा प्रतिष्ठित आत्मा या चार्ज रूप में है या डिस्चार्ज है, जो पहले मैंने एक्सप्लेन किया। प्रतिष्ठित आत्मा फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है तो वो साथ में कैसे जाती है? बिलीफ के रूप में जाती है ना, तभी तो बिहेवियर होगी। बिलीफ किसकी? शरीर पीछे रह गया। हाँ। आत्मा पवित्र है, आत्मा की बिलीफ होती नहीं है। नहीं, अभी आत्मा के साथ बिलीफ उठ जाती है तो बिलीफ क्या चीज है, क्या बन के जाती है? वो अवग्र उच्चा है क्या है? वो ही बिलीफ कार्मण स्वरूप के रूप में होती है और यहाँ कार्मण स्वरूप का डिस्चार्ज होता है। यहाँ चार्ज है, यहाँ डिस्चार्ज है। जैसे हम ये चार्ज करते डिस्चार्ज होता है, दिखता नहीं है। ये बैटरी को चार्ज करके निकाल दो, डिस्चार्ज करूंगी बैटरी तो वही के वही दिखेगी। इन्हें आप ये कह रहे हो कि जो कार्बन शरीर है लेके साथ में आया वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, वही। और नए कार्बन शरीर का जो सर्जन हो रहा है वो चार्ज प्रतिष्ठित। मैंने कहा समझाने के लिए टाइटल कोई परमानेंट नहीं है, कोई अलग ज्ञानी कोई अलग शब्द भी कर सकते है, ये तो पहचान के लिए है। फॉर आइडेंटिफिकेशन कुछ तो बताना पड़ेगा ना। और कोई व्यक्ति और कोई नाम देता है, कभी कोई अंतरात्मा बोलता है तो भी गलत नहीं है, आप समझे ना। मगर एक्सप्लेनेशन साइंटिफिक होना चाहिए। इसका चार नाम है रॉन्ग बिलीफ। इसका चार नाम है, बताओ आपको रॉन्ग बिलीफ राइट समझाओ। इसका चार नाम है, एक तो लाइव ईगो एक नाम है, दूसरा नाम है प्रतिष्ठित आत्मा, तीसरा नाम है मिश्र चेतन और चौथा नाम है ज्ञानीपुर दादा भगवान ने बताया हूँ बाबू ने मंगलदास, तो जो बाबू बोलते हैं इसका नाम है। जस्ट समझाने के लिए इट्स अ डिफरेंट टाइटल टू एक्सप्लेन। इसको ना शब्दों के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, उनका रोल समझने की कोशिश करो। टाइटल कोई भी दे सकता है, दूसरा भी दे सकता है, वो टाइटल वो परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है, मगर रोल परमानेंट है। जहां तक बॉडी है वहां तक वो रहेगा, जितने अवतार है वहां तक रहेगा। आप समझे, नाम कोई भी दे दो, अगर साउथ में जाऊंगा तो कोई और भी नाम दे सकते हैं। तो टाइटल इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट इट्स रिक्वायर्ड द टाइटल फॉर आइडेंटिफिकेशन। जैसे ये शरीर है ये आत्मा है, अब अगर मन की बात करते हैं तो मन जैसी तो कोई चीज दिखती भी नहीं है, भी नहीं, तो मन भी इस बीच में खड़ा होता है। शरीर और आत्मा मिलती है तब ब्रेन से माइंड से थॉट्स आते हैं, सोचते हैं और उसको मन कहते हैं। तो उसी तरह वो भी एक काइंड ऑफ नया क्रिएशन, एक आर्टिफिशियल
जो दिखती भी नहीं है, और न शरीर है न आत्मा है, फिर भी कुछ है, वैसे ही कुछ है क्या प्रतिष्ठित आत्मा? प्रतिष्ठित आत्मा माइंड का, लाइव माइंड का फोर फेसेस है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों का एक नाम अंतरात्मा भी बताया, अंतस्करण भी बताया, और उसका नाम प्रतिष्ठित आत्मा तब बनता है अंतस्करण प्लस स्पीच एंड एक्शन का बीच, ये छह चीजों को कॉज के रूप में प्रतिष्ठित आत्मा बोलते हैं। डिस्चार्ज के रूप में अंदर अंतस्करण जाएगा, बाहर बाह्यकरण रहेगा, स्पीच और एक्शन, और बाहर का जो स्पीच और एक्शन है वो डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस, इट इज क्रिएटेड बाय द लॉ ऑफ नेचर। अंतस्करण आपका खुद का है, वो लॉ ऑफ नेचर ने बनाया नहीं है, मगर बाह्यकरण जो है बॉडी के साथ स्पीच एंड एक्शन जुड़ा है, इट इज डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस। तो मेन जो प्रोसेस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पक्ष में, या चार्ज के फॉर्म में या डिस्चार्ज के फॉर्म में, और बाद में जो प्रोडक्शन होता है, अंतस्करण इज अ प्रोसेसिंग फैक्ट्री ऑफ अ न्यू कॉज। तो नए कर्म चार्ज होते हैं स्पीच एंड एक्शन के फॉर्म में, उसकी प्रोसेस होती है अंतस्करण में। तो यहाँ ये अंतस्करण चार्ज है, यहाँ डिस्चार्ज हो गया अंदर, ठीक है, और बाहर स्पीच और एक्शन रिजल्ट के रूप में आया। इसका संजोग कौन बनाते हैं? कुदरत, आप समझे ना। तो ये चार्ज को ये डिस्चार्ज हो गया, तो यहाँ मैकेनिकल हो गया, यहाँ एक्टिव है और यहाँ मैकेनिकल, और बॉडी भी चेंज हो गई, और ये बॉडी कुदरत ने दिया है, हमारा चॉइस नहीं है, हम है भी नहीं और हमारा चॉइस भी नहीं है। नहीं, आप ऐसे नहीं मांग सकते कि मेरे को बॉडी चाहिए इंसान का, आपको सिर्फ कम कर्म करने का अधिकार है, और कर्म का रिजल्ट कौन से बॉडी में लेना है डिसाइडेड बाय द लॉ ऑफ नेचर। अगर कोई नर गति में जाएगा तो वो डिसाइड करेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है ना कि आप ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा बॉडी, तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ नेचर। वही तो बात है, रैंडम कैसे हो सकता है, ये पूरा वर्ल्ड चलता है, यूनिवर्स चलता है, ऐसे रैंडम थोड़ी चलेगा। अभी तो लॉ ऑफ नेचर बोलते हैं सबके लिए जो एक है, अलग अलग नहीं है, ये कंट्री वाइज या कास्ट वाइज या रिलीजन वाइज नहीं है, वो सबके लिए एक है। आपने यहाँ पे एक पॉइंट जो कहा कि भाव और जो कॉज नए बनते हैं, जो प्रतिष्ठित आत्मा नई वाला है उसको बनाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर तो भाव ही, उस भाव को और डिस्चार्ज वाला भाव है उसको आपने लाइन ऑफ डिमार्केशन खींच के जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की वो ठीक से समझ में नहीं आया कि डिस्चार्ज वाला भाव कौन सा है और चार्ज वाला भाव कौन सा है। डिस्चार्ज वाला भाव जो मैंने बताया है वो ये बताया, जो भाव इस भव के साथ, इस बर्थ के साथ जुड़ा हुआ है वो सब भाव डिस्चार्ज रिजल्ट में आए या न भी आए। इसका क्या मतलब? सब भाव इसी भव से तो जुड़े हुए जो हुआ, फिर भी हर भाव रिजल्ट में आना जरूरी नहीं है। मैंने पहले बताया था अकेले भाव से रिजल्ट नहीं आता है, भाव के साथ क्रेडिट भी चाहिए। भाव इज अ चेक एंड क्रेडिट इज योर बैलेंस। चेक लिखा है बैलेंस हो तो पास होगा, नहीं बैलेंस होगा तो रिजेक्ट होगा। आप लिख सकते हैं मगर पास नहीं होगा बस, तो भाव तो कोई भी कर सकते हैं। मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनना है तो कौन मना करता है, मेरे को प्रेसिडेंट बनना है अमेरिका कौन नहीं कर सकता है, कोई भी कर सकता है, मगर वो चेक पास होने के लिए बैलेंस तो चाहिए। ये लॉ ऑफ नेचर समझना इतना आसान नहीं है, इट इज नॉट अ सिंपल, मगर जैसे जैसे आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, जानने की जिज्ञासा बढ़ेगी, आप डीप में जाओगे तभी ये समझ में आएगा। मैं एकदम से बोल दूंगा तो आपको अंदर जाएगा और अभी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। जैसे जैसे आपके अंदर प्रश्न उठेंगे और उत्तर दूंगा तब आपको लगेगा नहीं अभी यह बराबर है, नहीं तो फिर क्या होगा लेक्चर जैसा हो जाएगा। जो बेस बताना है वो मैं बता देता हूँ पहली बार कि बेस क्या है साइंस का, फिर डीप में जाने के लिए आपको खुद को डीप में खुद को जाना पड़ेगा, फिर वहाँ क्वेरी होगी, फिर प्रश्न करोगे, फिर सॉल्यूशन होगा, फिर डीप में जाओगे
फिर की और क्वेरी होगी, फिर प्रश्न करोगे, ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। ये रेडीमेड नहीं है, ये साइंस है, ये थियोरी नहीं है। मैं सब कुछ कह दूंगा तो भी इधर चला जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के आध्यात्म विज्ञान से हम परिचित नहीं है ना। हम धर्म से परिचित है, फॉर्मेट से परिचित है। जो भाव जैसे अभी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए और आपको ऐसा भी मिलता है आपकी पोस्ट के क्वालिफिकेशन के मुताबिक, फिर भी लगता है कि मेरा फ्रेंड था वो तो ग्रेजुएट हो गया, बिजनेस किया और अभी जलसा करता है, और मेरे को तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, ऑफिस से बाहर ही निकल सकता हूँ, क्लाइंट को चेक करना, ये करना, इससे अच्छा तो बिजनेस करता तो अच्छा था। तो यानी परिस्थिति के आधार से 10 15 20 साल की आपकी प्रैक्टिस के बाद आप सोचते हैं कि इससे बेटर बिजनेस है। अभी बिजनेस करना वाला करने वाला नहीं है, आपने यू चेंज योर विजन, मगर आपने सार निकाला कंपैरिजन करके। आप समझे, ऐसे हर व्यक्ति करते हैं, हर लोग पढ़ाई करते हैं फिर कहते हैं मेरे को यहाँ तक पढ़ना चाहिए, फिर पढ़ा भी, फिर आगे बढ़ा, फिर मालूम है कि इससे अच्छा तो मैंने ये किया तो अच्छा है, मगर अभी क्या करेंगे। हर व्यक्ति सार निकल आई, मैंने उस टाइम में सोचा ये डिस्चार्ज वाला भाग हुआ है, ये चार्ज वाला भाग है। सार निकाला वो चार्ज वाला है, और फील अनुभव किया प्रोसेस वो डिस्चार्ज है। सार निकालना ही तो लाइव भाग होता है, तभी तो वो कंक्लूजन निकाल के कुछ रजन करेगा ना। सफरिंग वाला भाग तो डिस्चार्ज है, वो मैकेनिकल पार्ट है, उसमें प्रोसेस नहीं होता है। अनुभव किया, देखा ये सब, और उसके बाद मेरे दिमाग में ख्याल आया, विचार आया, जो भाव कहेंगे इससे तो मैंने ये बीकॉम ही किया होता, व्यापारी बन गया होता तो बहुत पैसा मिलता है। तो ये आप कहते हो ये डिस्चार्ज नहीं है और ये चार्ज है, ये एग्जैक्ट राइट आपने फिक्स है, ये डिस्चार्ज नहीं है। ये आपके लाइव मन बुद्धि चित अहंकार के अंदर प्रोसेस हुए, एक अनुभव, डिस्चार्ज प्रोसेस का अनुभव, इसमें से आपने खुद ने सार निकाला। हैज पर योर थिंकिंग एबिलिटी, हैज पर योर बुद्धि, हर व्यक्ति इक्वल सोच होती है ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, किसी की और भी की सोच हो सकती है, मगर कहने का मतलब इस प्रकार से वर्तमान परिस्थिति के आधार से वो सार निकाल के 10 15 20 साल अनुभव करते, फिर सार निकाल के कहते नहीं नहीं ऐसा होता तो अच्छा था। तो ये वर्त की बात नहीं है, हर व्यक्ति अपने जीवन में सार निकालती है, और वो तो समय समय पे निकालती है। ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, शादी करते फिर भी सार निकालेंगे, ऐसा नहीं ऐसा होगा तो अच्छा होगा। बिजनेस में, एजुकेशन में, पढ़ाई में, समाज के अंदर, खेलने में, सब में हर व्यक्ति सार निकालती है और कॉज बना देती है, सार निकालती है और कॉज बना देती है। और ये जो सार निकालते हैं ये पुरुषार्थ का रहता है, और पुरुषार्थ का मतलब है जैसा वो चाहे उसकी फ्री विल के हिसाब से सार निकाल सकता है, पुरुषार्थ कर सकता है। क्या यहाँ पे वाकई फ्री विल है, पुरुषार्थ है, या सार निकालने की प्रोसेस भी जैसे ये मनोवचन काया से जो भुगतते हैं कंट्रोल्ड है, जैसा उदय में आना है वैसे आता है, वैसे सार भी जैसे निकलने वाला था वैसे ही सार निकलता है? नहीं, बताओ मैं आपको, सार निकालना इसमें तीन बात आती है, पिछले अवतार का आपका डेवलपमेंट जो लेके आए, लेवल ऑफ योर डेवलपमेंट जो लेकर आए, करंट सिचुएशन जो आपकी अभी है, और इस वर्त में मिला हुआ ज्ञान, ये तीनों से सार निकलता है, नॉट ओनली द वन एविडेंस। आप समझे, ये तीनों से निकलता है। डेवलपमेंट कितना है उसके मुताबिक ये संजोग को समझने में हेल्प मिलता है, और अभी जो ज्ञान मिला उसमें ऐड होके फिर सार निकालते हैं, ये तीनों को मिला के, एकदम से नहीं होता है। ये जो आप कहते हो, और परिवर्तन भी कर सकते हैं इसमें। अभी आपने सार निकाल के कॉज डाले, उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं, करेक्शन जिसको बोलते हैं, कभी भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे कहते हो कि ऐसे पुरुषार्थ करके आप कॉज का क्रिएशन करते हो, वहाँ पे आपकी इंडिपेंडेंट हो, आपकी फ्री विल है, आप जैसे चाहो वैसे कॉज बना सकते हो और उसमें करेक्शन कर सकते हो। आप जैसे ही कुछ अलग ज्ञानी, क्योंकि आप
ज्ञानी हो, आपके विजन में ही आता है, आपने ये ज्ञान दिया। ऐसे ही कुछ दूसरे ज्ञानियों ने कुछ इसमें थोड़ी सी अलग तरीके की बात की, जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उसमें और जो आप कह रहे हो उसमें फर्क मेरे को नजर आता है, वो वाकई फर्क है या नहीं है, क्या मैं गलत समझ रहा हूँ या सही समझ रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि आपका जैसा अगला इसके बाद वाला पद जैसा होने वाला है उसके हिसाब से आपको भाव आते हैं, जैसा भाव होने वाला है उस हिसाब से भाव आते हैं, उस हिसाब से आप फौज डालते हो, आपकी वहां पे भी फ्रीडम नहीं है। ओके ये पूरा का पूरा जैसे, और उसके लिए वो एक दो ये जैनिज्म में दिगंबरों की बात है, एक कहानी जैसे वो कहते हैं कि भगवान ऋषभ देव थे और भगवान महावीर स्वामी थे, वो पहले तीर्थ करते हुए 24वें तीर्थ। भगवान महावीर स्वामी का जीव उस सभा में हाजिर था जो उनका पोता था, और वहां पे उन्होंने कहा कि ये 24वां तीर्थंकर बनेगा। जब उन्होंने 24वां तीर्थंकर बनेगा कहा, तब तक उनके लाखों जन्म होने बाकी थे और उन्होंने तीर्थंकर कर्म का बीज भी नहीं डाला था, जो उन्होंने महावीर बनने के 3 या 4 जन्म पहले डाला था। तो उनको इतने पहले किस तरीके से ऋषभ देव को पता चल गया कि ये इतने लाखों जन्मों के बाद बीज डालेगा और 24वां तीर्थंकर इस 24 का बनेगा, इतना उनके विजन में आ गया। फिर तो उस मरीजी के जीव की क्योंकि फ्रीडम थी नहीं, ऐसा होना था उस हिसाब से हुआ, भाव आता गया, भाव बनता गया, आगे चलता गया, और आखिर में एग्जैक्ट टाइम पे जाके उसको तीर्थंकर रुद्र का बीज पड़ा और वो भावी हो गया। शास्त्रों के आधार से 27 भाव बताए हैं, मरीचि के भाव से महावीर तक के 27 भाव बताए हैं। नए साल के वहां से लेके 27 बताए, मरीचि के वहां से गिने होते तो प्रॉब्लम नहीं था। नए साल का भाव तो काफी रिसेंट था, उसके बाद 2-3 बार वो देवलोक में गए, एक आधी बार नरक में गए, बाकी पशु और मनुष्य के मरीचि के वहां से तो मेरे हिसाब से लाखों जन्म हुए होंगे। नए साल से 27 बताए, इसके लिए ये जो कॉन्ट्रास्ट वो समझ में नहीं आता। बताओ बताओ मैं आपको, नहीं सब समझ में आता है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपने बताया कि आपका भाव भी फिक्स है और नेक्स्ट बर्थ भी फिक्स है आपका, आपके कहने के मुताबिक अभी जो दूसरा व्यूपिन बताया उसके मुताबिक, तो फिर पुरुषार्थ और प्रावृत की दो शब्दों की जरूरत क्या थी? इट्स अ मैकेनिकल साइकिल। अपग्रेड कैसे होगा, जीवन चेंज कैसे होगा, नरगति में कैसे जाएगा, पशु योनि में कैसे जाएगा, देवलोक में कैसे जाएगा, मोक्ष में कैसे जाएगा, हु डिसाइडेड? इफ इट इज फिक्स्ड बाय समवन देन हाउ वन व्हाट आई कैन डू एनीथिंग फॉर माय फ्यूचर? फिर कर्मों की बात ही कहां रही? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्म देन? अगर मेरा कर्म का चार्ज होना फिक्स है तो मेरे पास तो कोई पावर है ही नहीं, न डिस्चार्ज का पावर है, न चार्ज का पावर है, तो मैं देवलोक में क्यों जाऊंगा, नरक लोक में क्यों जाऊंगा, पशु में क्यों जाऊंगा, गलती तो मेरी है ही नहीं। इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, पर आधा जवाब है। नहीं, जैसे नीचे से जब वो एक इंद्रिय से या निगोल से एक इंद्रिय में आता है, वहां से लेके पशु तक और मनुष्य में आता है, वहां पे उसका कोई रोल नहीं होता है, नेचर उसको सपोर्ट करता है और वो मनुष्य तक आ जाता है, शायद इसी तरीके से वो आगे चलता चलता मुक्त हो जाएगा, मुक्त चल जाएगा। नहीं, मनुष्य में से मनुष्य में आने के पहले तो वो नेचुरल ग्रोथ है। क्या है? नेचुरल ग्रोथ, क्योंकि उस समय उसके पास पावर ही नहीं है कर्म चार्ज करने का। मनुष्य के अंदर ही कर्म चार्ज करने का पावर है, ओनली वहां से ही उनकी चारों गति शुरू होती है, उससे पहले गति भी नहीं है। एक जैसे पंचेंद्रिय वन वे ग्रोथ है, उसमें अप डाउन्स भी नहीं है। मेरे को अगर चॉइस देंगे तो जो आप थ्योरी बताते हो उसको मैं मानना पसंद करूंगा, पर मेरे को ये दूसरे ज्ञानियों की जो थ्योरी मैंने सुनी वो समझ में नहीं आ रही, मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। वही तो मैं कहता हूं, नहीं कोई भी बात किसी की भी हो, प्रश्न व्यक्ति का नहीं है, प्रश्न प्रिंसिपल का है कि उसमें कुछ लॉजिक तो होना चाहिए। आप कहोगे कि आपके चार्ज और डिस्चार्ज दोनों ऑटोमेटिक होते हैं या तो फिक्स है, तो फिर व्हाई आई एम रिस्पॉन्सिबल एंड व्हाई आई एम सफरिंग? व्हाई फिर मेरे को धर्म की क्या जरूरत है, पुरुषार्थ की जरूरत क्या है? फिक्स तो है, फिर मैं क्यों कहूंगा आप धर्म करो?
मैं क्यों कहूंगा आप पुण्य का चार्ज करो, मैं क्यों कहूंगा आप मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करो, इफ इट इज फिक्स्ड।